ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको गिवन है यहाँ पे ये टर्म्स, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एंड मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लाई। एंड सेम वेरिएबल वाली जो पावर है मल्टीप्लाई करने पे क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो सिंपल सा, फर्स्टली वी डू हियर मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर्स। ओके, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है पहले उनका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ये प्रोसेस रहेगा। तो 2 × 4, 2 × 4 = 8, ए स्क्वायर 822 एंड 826 है पावर। तो ये पावर ऐड हो जाएगी 2 + 22 = 24, 24 + पावर का एडिशन कर देते हैं 20 and 26, देन आंसर विल बी 8 × 8^24 or 26 = 50 बन जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द पार्ट थर्ड, दैट इज -10/3 पी क्यू क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6/5 पी क्यूब क्यूब। ओके, सो यहाँ पे जो ये इस टाइप से फ्रैक्शन में गिवन है नंबर्स, अगर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड से अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है, कैंसिल आउट हो रहा है सेम टेबल से, तो पहले आप कैंसिल आउट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। कैसे? जैसे ये 3 × 1 = 3 की टेबल चल रही है यहाँ पे 3 की टेबल से, और ये 2 की टेबल से 6 नीचे और ऊपर, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। एंड 5 × 1 = 5 × 2 = ओके, सो अब इनका मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करना ईजी हो जाएगा। फर्स्टली वी डू हियर प्रोडक्ट ऑफ द साइन। हियर इज माइनस, दिस इज पॉजिटिव टर्म, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड 2 × 2 = 2, 4, एंड 1 × 1 / 1 रहेगा। लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p क्यूब है, तो मल्टीप्लाई होके पावर 4 बन जाएगी, 1 और 3 ऐड होके 4 बनेगा। p क्यूब है यहाँ पे q है, पावर 1 है, तो ये आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट सेकेंड, 2/3xy मल्टीप्लाई बाई -9/10x²y². ओके, एंड पार्ट 4 इज x² × x³ × x³ × x⁴। ओके, दिस इज योर होमवर्क। पोज द वीडियो एंड नोट डाउन इन योर फेयर नोटबुक एंड यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वीडियो। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए, दैट इज सिंप्लीफाई 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू 4। फर्स्ट पार्ट इज x = 3 एंड सेकेंड पार्ट इज द x = 1/2। ओके, ये आपको गिवन जो एक्सप्रेशन है इसको पहले आप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई हो जाने के बाद जो x है उसकी जगह आप 3 पुट कर देंगे, जो एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह 3 पुट करेंगे, तो आपको क्या आंसर मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसमें अगर हाफ पुट करेंगे x की जगह तो आंसर क्या मिलेगा? तो अब फर्स्टली वी सिंप्लीफाई दिस फॉर्म एक्सप्रेशन। ओके, सो 3x × 4x - 5 + 3। ओके, यू नो वेरी वेल, फर्स्टली वी मल्टीप्लाई टू 4x × 3x एंड आफ्टर देन दिस मल्टीप्लाई इंटू -5। ओके, तो फर्स्टली वी पुट हियर 3 × 4x एंड दिस इज प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 3x × 5x एंड प्लस 3 एज इट इज। ओके, सो फ्रॉम हियर वी गेट, फर्स्टली वी विल डू मल्टीप्लाई ऑफ साइन, दिस इज प्लस एंड दिस प्लस, दैट इज प्लस, एंड आफ्टर देन वी मल्टीप्लाई द नंबर्स। ओके, 3 × 4 = 12 एंड x × x² पावर 1 एंड पावर 1 विल बी ऐड एंड वी गेट पावर 2, 5 × 3 = 15x + 3। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड वी पुट इन दिस एक्सप्रेशन x = 1/2। जहाँ पे भी x आया है उसकी जगह हमें क्या 1/2 पुट करना है यहाँ पे। ओके, तो फ्रॉम हियर वी गेट 12x, x की जगह 1/2, और स्क्वायर x का तो यहाँ पे हाफ का स्क्वायर आ जाएगा -15,
अब x यहाँ पे भी हाफ पुट करेंगे, 15 अपॉन हाफ प्लस 3, ओके, सो 1 अपॉन 2, अब ये स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4, एंड 1 इंटू 5 15, 5 इंटू 1 15 अपॉन 2 एज इट इज़ एंड 1, और डिवाइड में 1 ले लेते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आपके 4 वन जा 4 की टेबल से एंड 4 की टेबल से 12 3 जा, सो 3 इंटू 1 3 वन जा 3, डिवाइड में 1 पुट कर दें, 15 अपॉन 2 प्लस 3, ओके, तो 3 प्लस दिस 3 ये 6 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 6, 3 एंड प्लस 3 6, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आया, 1 का डिवाइड 2 में 2 जा एंड 2 इंटू 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 वन टाइम इंटू 15, सो 2 6 जा 12 प्लस 15 वन जा 15 अपॉन 2 दैट इज 20, 12 प्लस 15 27 अपॉन 2, दिस इज योर आंसर, ओके. नाउ कम टू द पार्ट, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 4x इज इक्वल हाफ, सो वी कैन से फॉर फाइंडिंग पार्ट सेकेंड पुट x इज इक्वल हाफ, x इज इक्वल हाफ, और कहाँ पुट करना है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है ये वाली फॉर्म, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसमें पुट करना है, तो यहाँ पे देखो आप, तो क्या बनेगा 12 एज इट इज 12 एंड यहाँ x की जगह क्या पुट कर दिया हाफ, तो हाफ स्क्वायर, ओके, दिस इज पार्ट हाफ, ने हाफ के लिए हमने यहाँ पे ये सेकंड पार्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, हाफ के लिए ये फाइंड कर लिया, अब हमें हाफ का तो ये हो गया, सेकंड पार्ट यहाँ हो गया ये, अब फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है, x इज इक्वल 3, 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, यहाँ पे x की जगह 3 और 3 यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ 3 और कितना है 12 एक्स स्क्वायर है, तो 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 15, और x की जगह क्या पुट कर देंगे 3 प्लस 3, ये एज इट इज आ गया 3, तो 12 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस 45, 15 3 जा 45 प्लस 3, ओके, और 12 9 जा 108 45 प्लस 3, अब प्लस के ये और है 111, 108 प्लस 3 और माइनस 45 हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक कर दो 11 में से 5 6 एंड 10 में से 4 6 66 विल बी योर आंसर, ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट कर दिया, ये सेकंड पार्ट ये पहले कर लिया हमने, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, ओके ओके, पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, सिंप्लीफाई, ए पार्ट किया वैसे ही सिमिलर सा पार्ट है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, वो क्या समझना है, यहाँ माइनस का एक नंबर पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे, तो सिंप्लीफाई द ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू 4, फर्स्ट पार्ट इज ए इज इक्वल 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट इज ए इज इक्वल 1 एंड थर्ड पार्ट इज ए इज इक्वल माइनस 1, फर्स्टली वी सिंप्लीफाई दिस, सो यू नो वेरी वेल ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाई ए एंड ए मल्टीप्लाई बाई 1, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू दिस ए प्लस ए इंटू 1 प्लस 5, ओके, एंड ए इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए क्यूब, ए इंटू ए ए स्क्वायर बनेगा पावर एड, ओके, 1 1 स्क्वायर बन जाएगा ए इंटू 1 एज इट इज ए रहेगा प्लस 5, ओके, अब ये अपने पास में क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, एंड फर्स्टली वी पुट इन दिस फॉर्म ए इज इक्वल 0, ए की जगह जहाँ पे भी ए है वहाँ क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए आ गया, ए की जगह 0 पुट किया, ए क्यूब 0 क्यूब एंड 0
स्क्वायर प्लस ज़ीरो प्लस फाइव, तो ये ज़ीरो का स्क्वायर करो आप, इस क्यूब करो, तो आंसर ये क्या ज़ीरो बनेगा, ये वापस ज़ीरो बनेगा, ये प्लस ज़ीरो एंड फाइव, और ज़ीरो में फाइव में ज़ीरो कितनी बार भी ऐड करेंगे तो आंसर विल बी फाइव। एंड नाउ कम टू द पार्ट सेकेंड, सेकेंड क्या है, ए इज इक्वल वन, सेकेंड पार्ट इज पुट ए इज इक्वल वन, ये ए इज इक्वल वन भी कहाँ पुट करना है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये वाले, तो क्या मिलेगा हमें ए की जगह वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, तो वन क्यूब प्लस यहाँ पे वन पुट किया तो वन स्क्वायर, जो पावर है वो एज इट इज रहेगी, केवल ए को हमें वन पुट करना है, एंड वन प्लस वन, ओके ये बनेगा इस टाइप से। अब ए का क्यूब वन, वन का क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस वन, फोर टाइम आ रहा है, वन प्लस वन टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये फोर आंसर आ गया। नाउ कम टू द पार्ट थर्ड, एंड थर्ड पार्ट इज पुट ए इज इक्वल माइनस वन, ए इज इक्वल माइनस वन पे हमें चेक करना है, जो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यहाँ पे ए की जगह यहाँ माइनस वन का क्यूब माइनस टू स्क्वायर माइनस वन प्लस फाइव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ए की जगह इस एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में इज इक्वल वन माइनस वन क्यूब, यहाँ पे भी वन पुट किया माइनस वन स्क्वायर, यहाँ पे भी वन माइनस वन प्लस फाइव। अब देखो जहाँ पे पावर ऑड है वो तो वापस नेगेटिव बनेगा, और जहाँ इवन पावर है वो पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पावर थ्री है तो माइनस वन आएगा सिंप्लीफाई होके, यहाँ पावर ऑड है तो ये इसका स्क्वायर करेंगे माइनस वन का तो प्लस वन होगा, बाहर कौन है प्लस है तो प्लस एज इट इज रहेगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस वन एंड प्लस फाइव, ये माइनस वन प्लस वन सबट्रैक कैंसिल आउट हो गया, एंड फाइव में से ये वन और सबट्रैक हो गया तो फोर विल बी योर आंसर। ओके थैंक यू, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।